जो डिलिमिटेशन के नाम पे असम के अल्पसंख्यक राजनीतिक जो राइट्स है पॉलिटिकल राइट्स है उसको जो अपने राइट से वंचित करने के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है डिलिमिटेशन के जरिए से उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने संविधानिक स्वतंत्रता बचा के रखे और हम लोग कहने चाहते जो एनआरसी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उस एनआरसी को अब पब्लिकली रिलीज करना चाहिए, वो कहीं आके रुक गया है। 19 लाख लोगों का नाम अभी भी नहीं है, उनमें से बहुत जेन्युइन इंडियन सिटीजंस है, उन लोगों का हियरिंग एक फेयर हियरिंग का राइट है। आज असम के बहुत सारे लोगों को अपने घर बाहर से बेदखल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। बीटीआर में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है बोरो लैंड में असम के लोगों को अपने घर से बेदखल किया जाए उसके हम विरोध करते हैं। हम लोग विरोध करते हैं अपने घर से बेदखल करने जा रहे हैं बोरो लैंड में। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों का अभी बोडोलैंड में अलग डिमांड जो मांग कर रहे हो, हम बोल रहे हैं कि बोडोलैंड में जो माइनॉरिटी रहते हैं उन लोगों को वहां से एविक्ट करने के एक कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं। अभी जो बीटीआर का एक प्रशासन है ही वो बीटीआर का प्रशासन को माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, असम सरकार को माइनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, एविक्शन बंद होना चाहिए, एविक्ट इलीगली एविक्टेड लोगों को अभी रिहैबिलिटेट करना चाहिए, लैंडलेस लोगों को लैंड चाहिए, असम के फ्लड और प्रॉब्लम घोषणा करना चाहिए, सिटीजनशिप इशू को एक जस्टिफाइड कंक्लूजन में ले जाना है। ये हर रोज अल्पसंख्यक को हिमंत विश्व शर्मा जो गाली देते वो बंद होना चाहिए। देश का मुख्यमंत्री अपने ही नागरिक को गाली नहीं देते धर्म के नाम, ये सब बंद होना चाहिए। असम में कम्युनल पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। असम में मेडिकल सीट्स में इलीगल रिजर्वेशन 75% रिजर्वेशन हो चुका है, वो सब हटना चाहिए। अमीर एनआरआई लड़कों के लिए रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो रिजर्वेशन हुआ था वो क्यों हटाया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे डिमांड है जो डिमांड लेके आज हम दिल्ली में आए हैं। अभी आपने बोला कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, हमने नहीं बोला है, हम लोग का सुने नहीं अच्छे से, ठीक है। देखिए हम लोग बोल रहे हैं अंशु के तरफ से कि ये आंदोलन को हम लोग बहुत और स्ट्रॉन्गली हम इसको खड़ा करेंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर असम में हर डिस्ट्रिक्ट में। नहीं सुनेगा तो जब तक ये सरकार को हम दिल्ली और गुवाहाटी से हटा नहीं सकते ये आंदोलन चलता रहेगा।